मोटर पर नहाने को लेकर विवाद में लोकतंत्र सेनानी घायल। जी हां, खबर उत्तराखंड की जिला उधम सिंह के बाजपुर में पानी के ट्यूबवेल पर नहाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें लोकतंत्र सेनानी गोपाल कोचड़ घायल हो गए। आपको बता दें कि ग्राम भरपुरी में लोकतंत्र सेनानी गोपाल कोचड़ के घर के पास कुछ दूरी पर पानी के ट्यूबवेल पर लोकतंत्र सेनानी का बेटा व उसके दोस्त नहाने गए थे। पड़ोस के लोगों ने उनका विरोध किया, इस बात पर हंगामा हो गया। इस दौरान वहां पहुंचे लोकतंत्र सेनानी गोपाल कोचड़ पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों व धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें लोकतंत्र सेनानी गोपाल कोचड़ घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस टीम पहुंची, घायल व्यक्ति का मेडिकल कराकर मामला संगीन धाराओं में दर्ज कर लिया, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए बाजपुर से मोहम्मद सईद की यह रिपोर्ट। और मैं समझता हूँ दुर्भाग्य ऐसा है कि मैं समझाने के लिए गया हूँ, बरेनी पुलिस वहाँ पर उपस्थित थी और वो खाली वीडियो बनाने में मस्त रहे। उनका प्रयास बनता था कि मुझे छुड़ाते, लोगों को हटाते हैं वहाँ से। ये तो कोतवाल साहब बाद में आए, उसके बाद वहाँ से वो भीड़ छटी। मैं अकेला था, मेरे लगभग 10-12 लोग बीच में आके मुझे पड़ गए। 3 इसी परिवार के थे, भजन के परिवार के थे, बाकी कुछ लोग जो मेरी जानकारी में आया है कि वो बेरिया साइड के थे। और इनके द्वारा गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए और हवाई फायरिंग भी की है। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी असला है इनके पास, नजायज असला है, ये लोग खनन का काम करते हैं, भूमाफियाँ हैं, खनन माफियाँ हैं, जेसीबी मशीनें इन पे दो हैं, दो डंपर हैं, और खनन से ही इनकी पुलिस के साथ भी पूरी साठगांठ है, क्योंकि वो वीडियोग्राफी बनाते रहे। मेरे जैसा बुजुर्ग आदमी जो समझाने के लिए गया है 65 साल 70 68 साल का, तो हमारा काम लड़ने का थोड़ा, हम समझाने गए और हमें पकड़ के उन्होंने पीट दिया, तो बड़ी ही शर्म की बात थी। ये दी गई थी और मुझे जानकारी में कि 307 उन्होंने उसमें लगाई है, और मुझे आश्वासन उन्होंने दिया कि मैं 12-24 घंटे के अंदर इन लोगों की गिरफ्तारी करके और इन लोगों को जेल भेजूंगा। दो पक्षों में रास्ते के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था, मारपिटाई हो गई थी, मौके पर पुलिस तत्काल पहुंच गई थी। उसके बाद हमने पीड़ित पक्ष का मेडिकल कराकर तहरीर ली है और फिलहाल उनमें से एक को, 4 अभियुक्तों में से एक को हमने गिरफ्तार कर लिया है और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।